जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ बॉयलर डेक्स इंजीनियर, यानी कि एक जो बॉयलर डेक्स इंजीनियर होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो अपने ड्यूटी के दौरान क्या क्या वर्क देखते हैं, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये वीडियो एक्सपीरियंस आदमी के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होगा ही, साथ में जो लोग फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रोल ऑफ बॉयलर डेक्स इंजीनियर, तो देखिए एक बॉयलर डेक्स इंजीनियर का क्या रोल होता है, क्या वो अपने ड्यूटी के दौरान वर्क करते हैं, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक बेहतर जो डेक्स इंजीनियर होता है वो बनने के लिए हमको किस किस बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक फ्रेशर है और आपका जॉब लगा पावर प्लांट में और आप एक डेक्स इंजीनियर के लिए सेलेक्ट हुए, ठीक है, तो आपको पहले किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डेक्स इंजीनियर के सेलेक्ट हुए तो अगले दिन डेक्स चलाने लगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका कठिनाई आएगी। तो इसलिए कुछ आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप एक बॉयलर डेक्स इंजीनियर के लिए सेलेक्ट हुए, तो आपका पहला जो आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है कि नो अबाउट योर प्लांट, आपको उस प्लांट के बारे में एक ओवरव्यू जानकारी होना चाहिए, जहां पर भी आप जो बॉयलर आप ऑपरेट करने वाले हैं वो किस प्लांट में है, किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, वहां पे जो स्टीम जनरेशन हो रहा है वो किस पर्पज़ के लिए जनरेट हो रहा है, पावर के लिए जनरेट हो रहा है या कोई प्रोसेस प्लांट है, तो ये आपका एक ओवरव्यू जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि नो अबाउट बॉयलर, आप देखिए जो बॉयलर आप ऑपरेट करने वाले हैं उसके बारे में आपको डीप यानी कि आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या पार्ट्स है, कैसे वो फंक्शन करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस टाइप का बॉयलर है, तो ये जो सभी जो चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए। साथ में एक डेक्स इंजीनियर बनने से पहले आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप डेक्स इंजीनियर बने और तुरंत आप डेक्स चलाने लगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी जो चीज़ें होगी आपको चलाने में डेक्स बॉयलर ऑपरेट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि आपको फील्ड का जब अगर नॉलेज नहीं होगा तो डेक्स में आप जब ऑपरेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो क्लियर नहीं होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए डेक्स इंजीनियर बनने से पहले आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप फील्ड में होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइनें कहाँ गई है, एयर पाथ क्या है, वाटर एंड स्टीम सर्किट क्या है, आपका कोल सिस्टम कैसे है, कौन सा सिस्टम आपका बॉयलर में लगा हुआ है, उसके क्या फंक्शन है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप पता करेंगे, कौन सा वाल्व कहाँ है, ड्रेन कहाँ है, वेंट कहाँ है, तो ये सभी चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो आप जब डेक्स में उसको ऑपरेट करेंगे तो आपके माइंड में ही इमेजिनेशन आएगा कि हाँ ये चीज़ें वहाँ थी, तो आपको ऑपरेट करने में और बॉयलर ऑपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट जो है कि बॉयलर ट्रिप एंड इंटरलॉक। आप देखिए डेक्स इंजीनियर बनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बॉयलर ऑपरेट करेंगे तो आपका जो बॉयलर ट्रिप और जो इंटरलॉक होता है वो क्या क्या दिया हुआ है, किस पैरामीटर में क्या आपका ट्रिपिंग है, क्या अलार्म है, क्या पैरामीटर मेंटेन करते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि डिस्कस विद सीनियर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप किसी नए जगह में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा और फ्रेशर्स के लिए भी। मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह अगर जॉब करते हैं और वहाँ पर आप गए तो आपको एक बॉयलर मिला ऑपरेट करने के लिए, तो अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एजेस जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ आपको डिस्कशन करना है कि जो सिस्टम लगा हुआ है उसके बारे में जानना है, क्या पैरामीटर मेंटेन होता है, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं ना उनको काफ़ी अच्छे से पता होता है कि देखिए जैसे हम लोग का क्या होता है ना, हर इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है, उसी तरह हर मशीन का भी अलग अलग बिहेवियर होता है, नेचर अलग अलग होता है, तो जो सीनियर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो उसके साथ अगर आप डिस्कशन करेंगे पैरामीटर और प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रहती है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, क्या मीटर मेंटेन किया जाता है, जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बॉयलर ऑपरेशन करने में सुविधा होगा, और तब आप यदि आप चार्ज लेंगे तो आप एक बेहतर जो डेक्स इंजीनियर हैं वो आप बन सकेंगे। अब मान लीजिए कि आप एक बॉयलर डेक्स इंजीनियर बन गए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एक बॉयलर डेक्स इंजीनियर होते हैं उनका क्या डेली वर्क होता है, ठीक है, जो मेन वर्क या जो प्राइमरी वर्क होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एक डेक्स इंजीनियर होता है, जैसे ही वो अपने ड्यूटी में जाते हैं तो सबसे पहले वो रिलीविंग लेते हैं, ठीक है, कि पिछले में क्या एक्टिविटी हुई है, क्या घटना हुई है, बॉयलर हमारा नॉर्मल है या एबनॉर्मल कंडीशन में चला है, क्या प्रॉब्लम है या सही है, ये सभी चीज़ें के बारे में जो एक्टिविटी हुआ रहता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर अपना जो शिफ्ट का चार्ज लेते हैं। और उसमें जैसे ही चार्ज लेते हैं तो उनका जो सबसे पहला काम है कि मोनिटर बॉयलर लोड, मेन स्टीम प्रेशर, टेम्परेचर, ड्रम लेवल, ड्रम प्रेशर, बीएफपी प्रेशर एंड फीड वाटर टेम्परेचर। देखिए जैसे ही चार्ज लेते हैं तो अपना क्या कुछ क्रिटिकल पैरामीटर, ऐसे तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं लेकिन कुछ क्रिटिकल जो पैरामीटर
पैरामीटर होता है उनका जो मॉनिटर होता है उस पर सबसे पहले जाता है, जिसमें से वही है कि आपका जो पहले बॉयलर लोड क्या हो, क्या चल रहा है, ठीक है, यानी कि मेन स्टीम का फ्लो कितना चल रहा है वो देखना है, कितना आपका डिमांड है। साथ में आपको ये भी देखना है कि टीजी लोड क्या है। अगर मान लीजिए कि पावर जनरेशन के लिए यूज हो रहा है तो हमारा स्टीम टीजी में जा रहा है, तो टीजी का लोड क्या है और उसके अनुसार क्या आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो भी चीज़ देखना है। तो बॉयलर लोड हो गया, उसके साथ आपका मेन स्टीम का प्रेशर देखना है, मेन स्टीम का टेम्परेचर देखना है, ड्रम लेवल हमारा क्या है वो देखना है, सही है कि नहीं, ड्रम प्रेशर आपका क्या है, बीएपी प्रेशर क्या है, बीएपी प्रेशर सफिशियंट है कि नहीं, ताकि हमारा वाटर जो है वो ड्रम तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट है कि फीड वाटर टेम्परेचर कितना है, ये सभी जो क्रिटिकल पैरामीटर है इन सभी को वॉच किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि ड्राफ्ट एट वेरियस जोन, आपका फर्नेस ड्राफ्ट कितना है, अलग अलग जोन पे आपका ड्राफ्ट कितना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि आपका जो बॉयलर में आप कंटिन्यूस कंबशन हो रहा है जिसके लिए आप कंटिन्यूस एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप एयर सप्लाई कर रहे हैं, क्या उसका टेम्परेचर है, यानी कि O2 परसेंटेज कितना है, और साथ में आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो बॉयलर में कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, आप जो O2 रखे हैं वो कहीं कम तो नहीं पड़ रहा या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो एक जो प्रॉपर आपको O2 मेंटेन करना है वो है कि नहीं, और उसमें आपको कंप्लीट कंबशन हो रहा है कि नहीं, ये आपको वॉच करना है। और ये जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा आपकी जो मॉनिटरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है बेड टेम्परेचर एंड फर्नेस टेम्परेचर एंड फ्लू गैस टेम्परेचर एट वेरियस जोन। अब मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर है, अब बॉयलर ये कोई किसी भी टाइप का हो सकता है, मैक्सिमम जो काम होता है वो सेम ही होता है, कुछ ही जो होंगे वो इधर उधर एज पर आपका जो बॉयलर डिजाइन या जो रिक्वायरमेंट होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वो सेम ही होती है। तो मान लीजिए आपके पास अगर ABC या CABC बॉयलर है तो आपका उसका बेड टेम्परेचर क्या है, फर्निश टेम्परेचर क्या है, वेरियस जोन पे आपका फ्लू गैस टेम्परेचर क्या है, ये सभी चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोल फीडर स्पीड, कोल फीडर जो स्पीड होती है, आप जो कोयला सप्लाई कर रहे हैं, जो फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिमांड के अनुसार जो कोयला फीडिंग हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं, इसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है कि ड्राइव करेंट एंड इट्स वेरियस पैरामीटर, जिस भी टाइप का आपका बॉयलर है उसमें जो जो ड्राइव लगे हैं, जैसे CABC में आपका ID वाल्व ब्लोअर SAPA ये सब भी जो ड्राइव होते हैं, तो उसका आपको फुल लोड पहले करंट पता होना चाहिए और किस लोड पे चल रहा है, यानी क्या करंट चल रहा है उसका, कितना वो करंट ले रहा है, ये आपको वॉच करना है। और इसके जो वेरियस पैरामीटर होते हैं, जो सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, वो भी वॉच करना है, जैसे इसका वाइब्रेशन क्या चल रहा है, इसके फैन के बियरिंग टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है सूट बुलिंग एंड ए टेम्परेशन, तो एज पर रिक्वायरमेंट आपका बॉयलर का क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये अगर रिक्वायरमेंट है कि सूट बुलिंग कराने की जरूरत है तो एक बॉयलर डेक्स इंजीनियर सूट बुलिंग भी कराते हैं, ए टेम्परेशन की जरूरत है तो ए टेम्परेशन भी करना पड़ता है। तो सूट बुलिंग और ए टेम्परेशन पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा कि ये दोनों क्या चीज़ होता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या क्या वर्क होता है उस पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि बॉयलर वाटर क्वालिटी एंड केमिकल डोजिंग। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के टर्म में केमिकल डोजिंग किया जाता है, तो वो केमिकल डोजिंग हो रहा है कि नहीं, कितना डोजिंग हो रहा है, सफिशियंट डोजिंग हो रहा है कि नहीं, आपका बॉयलर का पैरामीटर्स क्या, बॉयलर जो वाटर हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, नॉर्मल है कि नहीं, उसमें pH, कंडक्टिविटी, सिल्का, फॉस्फेट, TDS वगैरह, ये सभी जो पैरामीटर्स जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं कि नहीं, तो ये भी सब जो चीज़ें वो वॉच किया जाता है। नेक्स्ट है मोनिटर बॉयलर ऑटोमेशन सिस्टम। बॉयलर अगर मान लीजिए आपका ऑटो में चल रहा है तो उसका ऑटोमेशन सिस्टम वर्क करना कि नहीं, ये भी जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्टर डिफेक्ट्स एंड इन्फॉर्म टू इस डिपार्टमेंट एंड रिलीवर। तो मान लीजिए कि आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए कि आपको उसको वर्क कराना है, तो अगर मान लीजिए छोटी मोटी कोई वर्क है तो आप अपने शिफ्ट के दौरान करा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो प्रॉब्लम जो है वो लंबा है या बाद में हो सकता है, तो उसको एक डिफेक्ट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और उसको जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है, और आने वाला जो आपका रिलीवर है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि उनको पता चल सके कि ये वर्क जो है वो आपका पेंडिंग है या करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन क्रिटिकल पैरामीटर इन लॉग बुक। तो देखिए, जो भी डेक्स इंजीनियर होते हैं वो एक सर्टेन टाइम में क्रिटिकल पैरामीटर को एक लॉग बुक में, यानी कि एक रजिस्टर में मेंशन करते हैं, और ये एक घंटा में भी हो सकता है और दो घंटा में भी हो सकता है, कहीं कहीं दो घंटा में किया जाता है और कहीं कहीं एक घंटा में भी पैरामीटर को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है कोल एनालिसिस रिपोर्ट ऑन डेली या वीकली बेसिस। तो देखिए,
डेली या वीकली बेसिस पे एक डेक्स इंजीनियर को कोल का एनालिसिस भी देखना होता है कि हमारा जो कोल यूज हो रहा है या जो फ्यूल जो यूज हो रहा है उसमें क्या एस परसेंटेज है, क्या जीसीवी चल रहा है, तो ये जो सभी जो पैरामीटर्स है उनका भी एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है एस रिमूवर सिस्टम। तो देखिए बॉयलर में हमारा चूंकि कंटिन्यूस कंबशन हो रहा है तो कंटिन्यूस एस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस एस का रिमूवल करना जरूरी है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, तो उसके थ्रू जो बॉयलर डेक्स इंजीनियर होते हैं वो एस को रिमूव भी करते हैं। नेक्स्ट जो है रूटिंग चेक ऑफ बॉयलर एंड हेल्दीनेस ऑफ सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए बॉयलर का रूटिंग चेकअप भी किया जाता है, कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जो रूटिंग बेसिस पे किया जाता है कि मान लीजिए कि आपका आपका डीएम वाटर स्टॉक है कि नहीं, आपका कोल जो सिस्टम चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, आपका जो एस हैंडलिंग सिस्टम है वो सही चल रहा है कि नहीं, तो ऐसे कई सारे वर्क होते हैं। अगर इस पर एक वीडियो चाहिए कि बॉयलर रूटिंग चेकअप में क्या क्या चीज़ें चेक किया जाता है तो उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो वीडियो चाहिए कि नहीं। ओके, और हेल्दीनेस ऑफ सपोर्ट सिस्टम, आप जो जो भी सपोर्ट सिस्टम है मान लीजिए कोल सिस्टम हो या एस हैंडलिंग सिस्टम हो, तो वो जो सिस्टम है उसका हेल्दीनेस है ना प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी हमको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है टेकिंग प्रॉपर एक्शन इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी एंड अलार्म इनिशिएटेड। तो मान लीजिए कि आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी आपका कोई अलार्म आ गया, चाहे वो ऑडिबल हो या विजिबल अलार्म हो, तो उसमें देखना है कि किस चीज़ का अलार्म है, अगर उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो करना है, उसको नॉर्मल करना है, और अगर मान लीजिए कि कोई एबनॉर्मलिटी या कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए क्या प्रॉपर एक्शन है वो लेना है ताकि हमारा बॉयलर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो देखिए बॉयलर में क्या एबनॉर्मलिटी और क्या इमरजेंसी आ सकता है इसके रिगार्डिंग में अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जब हम लोग बॉयलर ऑपरेशन करते हैं तो उस समय क्या क्या जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है और उसको हम लोग को कैसे हैंडल करना है और उसका क्या रीजन और क्या इफेक्ट होता है, इन सभी जो चीज़ें होगी वो वन बाय वन वीडियो करके आएगी, तो वो वीडियो आपको चाहिए कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हो गया हमारा एक बॉयलर डेक्स इंजीनियर का क्या रोल है, यानी कि उनका क्या मेन वर्क, क्या प्राइमरी वर्क है, इसके बारे में हम लोग देखें। इसके अलावा भी कई सारे वर्क होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या प्लांट है, किस टाइप का बॉयलर है और आपका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई वर्क करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम लोग को भी पता चल सके। तो आई होप कि रोल ऑफ बॉयलर डेक्स इंजीनियर का जो ये टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हम लोग को भी मोटिवेट मिलता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।